सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिस व्यवस्था में बदलाव के पक्षधर रहे हैं, और अब इसी कड़ी में पुलिस मैनुअल में बड़े बदलाव के असर नजर आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में बदलाव होगा क्या और उसका आखिरी प्रारूप अब तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर जो कमेटी बनी है वो बदलाव के रूपरेखा पर चर्चा कर रही है। इसके लिए खास तौर पर अलग अलग पुलिस एसोसिएशन से सुझाव मांगे गए हैं। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इसको लेकर एडीजी मुख्यालय को लिखित कॉपी भेजी है। मेंस एसोसिएशन का मानना है कि पुलिस कर्मियों के नौकरी के दौरान प्रमोशन के कम से कम 3 अवसर होने चाहिए और पुलिस मैनुअल में इसका प्रावधान किया जाए। वहीं पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी की समय सीमा तय करने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस कर्मियों के पास कई तरह की जिम्मेदारी होती है, ये कठिन और चुनौतीपूर्ण है। इसे देखते हुए 24 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी की समय सीमा हो, ऐसी व्यवस्था कायम की जाए। मेंस एसोसिएशन ने जो प्रमुख सुझाव रखे हैं उसके अनुसार गृह जिले के नजदीक के जिला या बल इकाई में पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। ऑन ड्यूटी के दौरान मुठभेड़ में शहीद होने की सूरत में पुलिसकर्मी के आरक्षित को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा मिले। साथ ही सेवा काल तक पौत्रित सहित पूरे वेतन के भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्रीय पुलिस संगठनों की तरह बिहार के पुलिसकर्मियों को शिक्षा भत्ता, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के दौरान मूल वेतन का 30% उग्रवाद भत्ता और समय सीमा के अंदर अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था पुलिस मैनुअल में की जाए, ताकि मृतक के आश्रित को दर दर भटकना ना पड़े। हाल ही में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि हर क्षेत्र के थानेदार को सप्ताह में 1 दिन गांव में बिताना होगा और गांव के चौपाल में बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुननी होगी। डीजीपी ने भागलपुर में कहा था कि बिहार पुलिस की तरफ से गांव की समस्याओं और मामलों के निपटारे को लेकर पुलिस आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं बिहार पुलिस के वेबसाइट पर आपको पुलिस मैनुअल दिखेगा, जहां मैनुअल को 7 भागों में बांटा गया है। करीब 40 साल पुराने इस पुलिस मैनुअल में बदलाव करने की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। बिहार पुलिस अभी भी 1978 में बने पुलिस मैनुअल से काम कर रही है। 4 दशक पुराने नियम में कई नियम ऐसे हैं जिनकी आज की तारीख में जरूरत नहीं है, वो निष्प्रभावी हो चुके हैं। वहीं कई जरूरी चीजें मैनुअल में नहीं है। 2007 के नए पुलिस एक्ट आने के बाद पुराने पुलिस मैनुअल की रिलेवेंस पर बहस होती रही है, लेकिन नए पुलिस मैनुअल के आने के बाद कई चीजें बदलेंगी, जैसे पुलिस के काम करने के तरीके, समय का निर्धारण होना, पुलिस के कितने विंग होंगे, उसमें कितना बल होगा, जिला स्तर पर बल और उसका स्वरूप क्या होगा, पदोन्नति दंड और विधि की नियमावली में भी सुधार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।